हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। माय नेम इज़ कर्नलजीत सिंह। टुडे वी विल स्टडी सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी, सेवेंथ क्लास, इनसाइड द अर्थ। लेट अस स्टार्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जो है फर्स्ट पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने थ्री लेयर्स पढ़ी थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। एंड नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल कवर रॉक्स, मिनरल्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड डिटेल ऑफ ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो फर्स्ट थिंग इज रॉक। व्हाट इज रॉक? सो अर्थ का जो क्रस्ट है, क्रस्ट जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल को हम कहते हैं रॉक। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? ऑल दोज मटेरियल्स विच मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स। फॉर एग्जांपल सॉयल, सॉयल भी एक रॉक है क्योंकि जो रॉक्स के ब्रेक डाउन होने से ही फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं रॉक्स के, वो सॉयल बन जाती है। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल्स। नो मिनर, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर फाउंड इनसाइड द रॉक्स। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विद इन द रॉक्स, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ और फ्रॉम ओशन। नो व्हाट आर मिनरल्स? सो मिनरल्स आर ऑल दोज सब्सटेंसेस विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइनेबल केमिकल स्ट्रक्चर, जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम केमिकली डिफाइन कर सकते हैं। वो किसी फिक्स एलिमेंट से बना हुआ है, या तो वो कंपाउंड है या वो प्योर एलिमेंट है। ठीक है, दैट इज़ मिनरल। दीज आर प्योर सब्सटेंसेस, आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, आयरन, गोल्ड, all these materials have fixed chemical compositions, so all these are minerals. Clear? We can say that all the minerals are rocks, but all the rocks are not minerals. Minerals are special substances which are found inside the rocks. Now next is types of rocks. तो types of rocks जो हैं, जो classification है ये rocks की, ये क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, कैसे बनी है, उसके बिहाफ के ऊपर हम इसको क्लासिफाई हमने किया है। तो फर्स्ट टाइप इज इग्नियस रॉक्स, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। नो वी विल स्टडी दीज थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स इन डिटेल। तो फर्स्ट टाइप इज igneous rock. Now what is igneous? The word igneous is derived from Latin word ignis, और ignis का meaning है fire. जैसे संस्कृत का word है अग्नि, अग्नि का means भी fire ही है, तो दोनों word मिलते हैं, Latin का ignis और संस्कृत का अग्नि, तो वहाँ से बना igneous, जो fire से, आग से बनी हुई चट्टान है। अब कैसे बनी है ये, फायर से कैसे बनी है, ठीक है, वो हम जो है समझते हैं अभी। ये जो डायग्राम है, एज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेंटल लेयर, कि मेंटल लेयर में जो है वो मोल्टन फॉर्म में होती हैं रॉक्स। ठीक है, देन दिस मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड मैग्मा। अब वहाँ पे मोल्टन फॉर्म में क्यों है रॉक्स इनसाइड द मेंटल? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, there is intense temperature, intensely high temperature, that's why rocks are present in molten form, and this molten form of rocks is called magma. Okay, so in this diagram, this is your crust, this is the crust, and below layer is mantle. So mantle mein jo hai wo magma present hai, this is magma chamber inside the earth, aur magma chamber se jo hot magma hai it rises up, ये ऊपर को जाता है, ठीक है, अर्थ की सरफेस की तरफ। एंड व्हेन समटाइम्स इट फाइंड द स्पेस वीकर पार्ट इन द क्रस्ट, इट कम्स आउटसाइड एंड फॉर्म वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं,
तो वहाँ पे हॉट मैग्मा जो है वो बाहर आता है अर्थ के सरफेस से, और बाहर आके उसको कहते हैं लावा। इनसाइड द सरफेस जो मोल्टन रॉक है दैट इज कॉल्ड मैग्मा, एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट मोल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा। जब आउटसाइड लावा कूल डाउन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, कूल डाउन होने से जो है वो वहाँ पे रॉक्स बनती हैं। ऐसे ही लावा कई बार क्या होता है, अर्थ के बीच में रॉक्स में क्रैक्स होते हैं, उस क्रैक्स में जो गैप होता है वहाँ पे लावा जो है वो फिलअप हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो तीन क्रैक्स हैं वहाँ पे लावा फिलिंग, मैग्मा जो है वो यहाँ पे फिलअप हो गया, फिलअप होने के बाद में वहाँ से बाहर नहीं आ पाता, वो वहीं पे कूल डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे भी जो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अब लावा के कूल डाउन होने से जो रॉक्स बनी हैं उनको कहते हैं इग्नियस रॉक्स, द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग डाउन ऑफ लावा और मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। ये जो बाहर बनी है वॉल्केनिक एरप्शन होने के बाद में जब लावा कूल डाउन हुआ है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं, और जब इनसाइड मैग्मा जो है वो क्रैक्स में फिल होने के बाद में कूल डाउन हुआ है तो वो इंट्रूसिव रॉक्स हैं। ठीक है, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे हमने करना है, एक्सट्रूसिव में ई एक्स एक्सटर्नल आउटसाइड आउटसाइड कूलिंग ऑफ लावा, इंट्रूसिव आई एन इनसाइड आई एन से लेंगे हम इनसाइड, तो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ कूलिंग डाउन ऑफ लावा। ओके, तो दीज आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड दीज आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब लावा बाहर आके कूल डाउन होता है तो वहाँ पे इमीडिएट कूलिंग होती है, सरफेस के ऊपर इमीडिएट कूलिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे फाइन ग्रेन्ड रॉक्स जो है वो बनती हैं, फाइन ग्रेन्ड रॉक्स बनती हैं यहाँ पे, ठीक है, इमीडिएट कूलिंग होने से। और इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ जब मैग्मा कूल डाउन होता है तो वहाँ पे स्लो कूलिंग होती है। ठीक है, स्लो कूलिंग होने से कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स बनती हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स वाली रॉक्स जो है वो वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब एग्जांपल्स, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है इसकी बेस्ट एग्जांपल है बसाल्ट रॉक्स। नो, बसाल्ट रॉक्स आर प्रेजेंट इन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे बसाल्ट रॉक जो है वो पाई जाती है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर लावा के आउटसाइड आने से बना था, वॉल्केनिक इरप्शंस हुई वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली, ऐसे हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है वो बना है, इसलिए वहाँ पे बसाल्ट रॉक मिलती है हमें, और बसाल्ट रॉक इज़ ब्लैक इन कलर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे ब्लैक कलर की रॉक्स जो है वो मोस्टली दिखाई देती हैं, तो दीज आर बसाल्ट रॉक्स। अब इसमें जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वहाँ पे जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जब हम अपने किचन्स में जो शेल्फ बनाने के लिए यूज़ करते हैं ग्रेनाइट, ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है, या ग्रीन कलर का जो स्टोन यूज़ करते हैं वो होता है ग्रेनाइट, इट इज़ कॉल्ड ग्रेनाइट स्टोन। तो ये जो ग्रेनाइट स्टोन है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, मीन्स ये अर्थ के इनसाइड कूलिंग डाउन होने से मैग्मा के बना है। ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो स्टूडेंट, किचन में जो हम ग्रेनाइट यूज़ करते हैं उसकी आप देख सकते हो ये ग्रेनाइट, इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो ग्रीन कलर में भी आता है ये, ठीक है, दोनों कलर्स में आता है, तो दिस इज़ ग्रेनाइट स्टोन, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। नाउ वी विल कम टू सेकेंड टाइप ऑफ रॉक, दैट इज़ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का जो बनने का प्रोसेस है, ठीक है, पहले उसको समझेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं। तो अर्थ के इनसाइड जो रॉक्स पड़ी रहती हैं लोअर लेयर्स में, जो क्रस्ट में पड़ी होती हैं या क्रस्ट से नीचे जो रॉक्स पड़ी होती हैं, व्हेन दीज रॉक्स कम आउटसाइड, जब ये बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अर्थ में कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट चलती है, अर्थ का जो सरफेस है और इनसाइड है वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक स्लो मूवमेंट चलती है, ड्यू टू अंडरलाइंग प्रोसेसेस जो इनसाइड रॉक्स पड़ी हैं वो बाहर आ जाती हैं सरफेस के ऊपर, और जब सरफेस पे आती हैं तो वहाँ पे वैदरिंग एजेंट्स जो हैं वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज़ वैदरिंग, वैदरिंग में सनलाइट रेन एंड टेम्परेचर, दीज आर एजेंट्स ऑफ वैदरिंग। तो वैदरिंग होने से क्या होता है, जो रॉक्स हैं वो ब्रेक अप होती हैं, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट जब होती हैं तो इनको जो है वो वाटर एयर ग्लेशियर्स
सी वेव्स वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये रिवर जा रही है, ये जो माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पे जो रॉक्स पड़ी हैं उनकी जब वेदरिंग हुई तो उसके जो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हुई, तो ये रिवर के साथ या विंड के साथ वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो कैरी हो जाते हैं, और इसके साथ ही वो कैरी करके रिवर जो है या विंड वो ओशन या लेक्स के बेड के ऊपर जाके उसको लेयर्स की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये रिवर जाके ओशन में गिर रही है, और ओशन में ये जो लेयर्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो लेयर्स हैं ये सेडिमेंट्स की लेयर्स हैं, ठीक है। एक लेयर बनी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर दूसरी लेयर बनी, फिर थर्ड लेयर बनी, ऐसे करते जी जो लेयर्स हैं ये ऊपर इसके एक दूसरे के ऊपर जो है वो आगे से आगे जो इंक्रीज होती रहती हैं। और बाद में क्या होता है, जब ज़्यादा लेयर्स 100 लेयर्स जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती हैं, तो अपर लेयर्स का जो प्रेशर पड़ता है, अपर लेयर्स का प्रेशर पड़ने से क्या होता है, जो लोअर लेयर्स हैं नीचे वाली जो सेडिमेंट की लेयर्स हैं वो सीमेंटेशन हो जाती है उनकी, वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं, ठीक है। और सीमेंटेशन होने से वो एक रॉक की फॉर्म जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो रॉक बन जाती है वो। अब ये जो रॉक बनी है ये सेडिमेंट से बनी है, ये लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, तो सेडिमेंटम का मीन्स सेटल डाउन, सेडिमेंटम मीन्स सेटल डाउन। तो ये जो रॉक्स बनी हैं ये सेडिमेंट्स के सेटल डाउन होने से बनी है, ठीक है, इसीलिए इनका नाम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं लेक्स में या ओशंस में, ठीक है, उनके सरफेस के ऊपर जो उनका बेड है वहाँ पे बनती हैं, तो उसमें जो प्लांट्स हैं ओशन में या लेक में, और जो एनिमल्स हैं जैसे फिश और अदर क्रिएचर्स, ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये भी बॉडीज़ इनकी जो इनके स्केल्टन्स हैं वो भी उसमें ट्रैप होते रहते हैं। एक लेयर में जो है वो उसकी बॉडीज़ जो एनिमल्स वहाँ पे मरते हैं वो उसके बीच में उनकी बॉडीज़ ट्रैप हो जाती है, ठीक है, और वहीं पे वो प्रिजर्व हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसलिए जब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हम निकालते हैं तो उसमें हमें जो है वो फॉसिल्स भी मिलते हैं। फॉसिल्स क्या है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज़ फाउंड इनसाइड द सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, ओके। तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की जो है वो एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल में आपका जो है वो सैंडस्टोन, चौक, ये जो हम चौक यूज़ करते हैं लिखने के लिए, ये चौक जो है ये एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक की, और ये बनता कहाँ पे, ओशंस में, जो हमारे डेड एनिमल्स हैं उनकी जो बोन्स हैं वहाँ से बनता है चौक, क्लियर। देन आफ्टर सेडिमेंट्री रॉक द नेक्स्ट रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती हैं ये, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, अगेन इन दिस डायग्राम वी विल कम। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो बन गई हैं ये, जैसे पहले बात की थी, रॉक्स जो हैं वो रोटेट होती रहती हैं सरफेस में, ठीक है, सरफेस से इनसाइड जाती हैं, इनसाइड से सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी स्लो, ये 1000 years मिलियन ईयर्स का प्रोसेस होता है जो उनकी मूवमेंट होती है। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है जब अर्थ के सरफेस के नीचे चली जाती हैं, ठीक है, डेप्थ के ऊपर चली जाती हैं, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, इंटेंस हीट एंड प्रेशर, दीज आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, और वहाँ पे ये कन्वर्ट होती हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन होती है इनकी, दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन होती है, ठीक है। तो दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में जो नई रॉक बनती है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसको कहते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है, और जो इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है। बस रिक्वायरमेंट क्या है, इनसाइड द अर्थ जब डेप्थ के ऊपर हायर डेप्थ पे हम चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाके जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, बट मेल्टिंग पॉइंट से ये टेम्परेचर कम होना चाहिए, जो रॉक मटेरियल वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से वो जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा, ठीक है, बट इट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, तो इससे क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगी मटेरियल की, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स की, और सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट हो जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब मेटामॉर्फिक, जो मेटामॉर्फिक वर्ड है वो ग्रीक
लैंग्वेज से लिया गया है। मेटामॉर्फोस का मीनिंग क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फोस, चेंज ऑफ फॉर्म। तो वो रॉक्स वो जो चेंज ऑफ फॉर्म से बनी है, जिनकी जो फॉर्म है चेंज हुई है, ठीक है, पहले सेडिमेंट्री और इग्नियस थी, अब वो मेटामॉर्फिक बन गई हैं जब उनकी दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन हो गई है। ओके, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मार्बल, जो हम घरों में, गुरुद्वारों में, टेंपल्स में वाइट कलर का स्टोन यूज़ करते हैं, मार्बल, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। अब मार्बल जो बना कहाँ से है? ये जो चौक सेडिमेंट्री रॉक थी हमारी, ठीक है, चौक या लाइमस्टोन, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक थी, इससे कन्वर्ट होके जो बना है दैट इज़ मार्बल। ये मार्बल है जो हम घरों में यूज़ करते हैं या टेम्पल्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो मार्बल इज़ मेटामॉर्फिक रॉक एंड चौक इज़ सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट होगी मार्बल में ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। नाउ इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है, ऐसा कैसे हो जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। तो जो ब्रिकलेंस होते हैं हमारे, ईंट के बट्टे होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है सॉयल से ब्रिक्स बनाते हैं। अब सॉयल हमारी जो है वो लूज है, बट ब्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में उसको हम एक प्रॉपर शेप दे के उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर बेक करते हैं। अब ब्रिक किल्न्स में, ईंट के बट्टे में, हम उसको हाई टेम्परेचर जो है वो देते हैं, वहाँ पे एक्सपोज करते हैं टू हाई टेम्परेचर, और वही जो सॉयल है वो कन्वर्ट हो जाती है हार्ड ब्रिक में। उसका कलर भी चेंज हो गया, रेड कलर हो गया, और उसका जो सॉलिडिटी है दैट इंक्रीज्ड, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब लूज सॉयल कन्वर्ट हो गई है हार्ड ब्रिक में, तो हाई टेम्परेचर ने रोल प्ले किया यहाँ पे। यही हमारा जो है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर रिक्रिस्टलाइज होके नई प्रॉपर्टीज़ गेन करती हैं, ऐसे बनती हैं हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रॉक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब टाइप्स ऑफ रॉक्स के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास है रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल किसको कहते हैं? तो इसी डायग्राम में जो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पहले समझी हैं, इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, और एक साइड पे इग्नियस रॉक्स। तो ये जो इनका इंटरकन्वर्शन है, एक रॉक फॉर्म दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती है, ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का प्रोसेस है, बट एक रॉक से दूसरी रॉक में जो है वो कन्वर्ट होती है वो, और ये एक साइक्लिक मैनर में जो है वो कन्वर्शन हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक्स, ये मैग्मा चैम्बर है इनसाइड द अर्थ जहाँ पे मोल्टन रॉक मटेरियल पड़ा है, तो इससे बना इंट्रूसिव रॉक एंड आउटसाइड द अर्थ एक्सट्रूसिव रॉक्स, तो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद में इग्नियस रॉक्स और दूसरी रॉक्स जो हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ये तीनों ही जब वैदरिंग होती है इन तीनों की, तो वो सेडिमेंट में कन्वर्ट होता है, उसके सेडिमेंट्स बनते हैं। तो सेडिमेंट्स जब ओशन में गए तो वहाँ पे जाके बनी सेडिमेंट्री रॉक, क्लियर। अब सेडिमेंट्री रॉक जब अर्थ की लोअर लेयर्स में चली जाती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, सेडिमेंट्री रॉक भी और इग्नियस रॉक भी, ये दोनों ही जब लोअर लेयर्स में चली गई तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से कन्वर्ट होगी मेटामॉर्फिक रॉक में। और जब मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक, ये तीनों रॉक्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को एक्सपोज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो टेम्परेचर जब मेल्टिंग पॉइंट जो रॉक का मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी इंक्रीज हो जाता है, तो ये तीनों की तीनों कन्वर्ट हो जाती हैं मैग्मा में, ठीक है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी मैग्मा से, वापस फिर हम जो है मैग्मा पे ही पहुँच गए हैं। तो दिस इंटर कन्वर्शन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ओके, नाउ यूजेस ऑफ रॉक्स, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम रॉक्स को कैसे यूज करते हैं, तो बहुत से यूजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में है। कंस्ट्रक्शन वर्क में हम ब्रिक्स बनाते हैं, एक टाइप की रॉक है ये भी, सीमेंट यूज होता है,
दिस इज अगेन रॉक इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म. देन मार्बल, वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन. देन ग्रेनाइट स्टोन. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रॉक्स विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. आफ्टर इट लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ चॉक फॉर राइटिंग एंड फॉर वाइट वॉशिंग आर हाउसेज. ओके, आफ्टर लाइमस्टोन रॉक सॉल्ट, जो हम खाने के लिए रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी रॉक की फॉर्म में हमें मिलता है. देन रोड कंस्ट्रक्शन. रोड कंस्ट्रक्शन में जो ग्रेवल यूज़ किया जाता है, जो सैंडस्टोन यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो सारा हमारा रॉक्स की एग्जांपल्स हैं. गेम्स प्ले करने के लिए, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो, ठीक है, स्टापू खेलते हो, तो वो उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो भी रॉक्स ही हैं. तो दीज आर यूजर्स ऑफ रॉक्स. थैंक यू.